जी फजाइल जी ऐसे कैसे छोड़ दे, बिल्कुल गाड़ी सही रास्ता भूल गए फिर वो कहीं और लेके ऑटो भाई ने मारना पकड़ के फिर तभी तो रिस्क नहीं लेते ना अपनी ऑटो छोड़ भी दे एक बारी अपनी भी तो थी साथ में एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कूल चिपर्स। आज जो नए दिन की शुरुआत हुई है वो ही है नोएडा से, क्योंकि मैं आरू और आरू के पापा हम तीनों कल से नोएडा आए हुए हैं। तो कल तो थोड़ा टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत टाइम बाद आए थे, 3 साल बाद आए थे हम लोग, तो कल तो टाइम नहीं मिला थोड़ा छूट वूट करने का। तो आज मैंने सोचा कि मैं ही गुड मॉर्निंग करती हूँ। तो जी नोएडा आए हुए हैं अपनी प्यारी देवरानी के पास। देवरानी जी आ जाओ, आप भी हेलो बोल दो। हेलो। तो देवरानी जी कल से खातिरदारी में बहुत बिजी है, लगे हुए खातिरदारी करने में जिठानी जी की, पूरे मैंने इस पे रोब झाड़ा हुआ है कल से। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं डरी सहमी बैठी हूँ। हाँ बिल्कुल डरी सहमी बैठे, कूट दूंगी मैं इसको, ज्यादा तंग करेगी मेरे को। तो बस एंजॉय हो रहा है नोएडा में। वैसे तो हमने सोचा था आज संडे आज हम वापस चले जाएंगे, पर मेरी देवरानी का प्यार जाने नहीं दे रहा। वो कह रहे हाँ, वो कह रहे 3 साल हो गए, अब इतने दिनों बाद आयो तो एक आध दिन और रुक जाओ, तो इसलिए अब कल वापिस हो गए। राम राम जी, राम राम। सुबह हो गई है, नाश्ता पानी हमारा हो गया है, अब हम बना रहे हैं दिन के लिए कड़ी। हाँ पकौड़ों वाली कड़ी बना रहे हैं हम। ये देखो हमारी कड़ी बन गई है, बन रही है। और ये वाले पकौड़े तो मम्मी हर बार के यही ऐसे ही पकौड़े बना के डालती है? नहीं, मैं सिंपल बनाती हूँ, प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े। हाँ आज मैंने पालक के बनाए हैं, ये आलू के बनाए हैं और ये प्याज के बनाए हैं। पनीर के नहीं बनाए? नहीं पनीर याद नहीं रहा। अच्छा तो मैंने 3 तरह के पकोड़े बनाए और ये देखो कड़ी बना रही मेरी उबाला आ रहा फर्स्ट क्लास। हाँ ये कड़ी हमारी, दिखाओ दोबारा करना जरा। ये देखिए कड़ी कड़ रही है। हाँ स्लो उस पे है, फ्लेम पे। हाँ कड़ी बन रही है बस, फिर इसमें बाद में जब बन जाएगी तो पूरे पकोड़े डालेंगे। इसे पकोड़े डाल के फिर आपको चखाएंगे कैसी बनी है। अच्छा कड़ी के साथ क्या बनेगा? कड़ी के साथ हम चावल बनाएंगे आज। कड़ी चावल खाएंगे आज, कड़ी चावल खाएंगे, कड़ी चावल खाएंगे आज। हाँ जब तक हो सकता है तेरी भाभी भी आ जाए, भाई भी आ जाए। भाभी तो शाम तक आएगी कह रहे थे, मतलब दिन में 2-3 बजे चलेंगे। हाँ चलो ठीक है, खाना तो मैं बना के रख देती हूँ ना जब। और ये भी तो बताओ कि आपने स्पेशल व्लॉग बनवाया ये वाला। सुबह से मैं मेहनत कर रही थी कड़ी बनाने, मम्मी को भी बनाने आने का चस्का हो गया है। और जब हेमा ऊपर होती है तो कहती है नीचे वाले बना लो ब्लॉग, तो नीचे वाले भी तो बिस्तर में से उठते हैं ना। आज ये हेमा नीचे थी, मैंने इसको कहा बिस्तर छोड़ आके यहाँ मेरा ब्लॉग बनवा। तो मैं तो आज का ब्लॉग जो है मम्मी ने स्पेशल बनवाया है। तो बस फिर अब हमारी कड़ी तैयार होने वो जा रही है, उसमें हम पकोड़े डालेंगे, उसके बाद आपको चखाएंगे कि कैसी बनी है। सबसे पहले आप किसको चखाते हो घर में? तेरे को चखाऊंगी, वैसे तो मैं खुद चखती हूँ। तो आप खुश हो ब्लॉग में आ गए हो? हाँ हाँ तेरा मम्मी को भी फुटेज चाहिए होता है भाई हमारी। मम्मी कह रही है कि मैंने कड़ी बनाई है स्पेशल तो मेरा व्लॉग बना। मैंने कहा मम्मी प्लेट में कड़ी चावल डालो है, खाते हो क्या दिखा दूँ? मम्मी कह रही ना ना मेरी पूरी कड़ी का दिखा दूँ। हाँ ठीक है ना, तो खुश अब। हाँ तो जी मेरी मम्मी के हाथ की कड़ी पकौड़ों वाली बड़ी स्वाद बनी है। और उसके बाद हम चावल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, कड़ी चावल। हाँ कड़ी चावल खाएंगे। देखो जी पकौड़े हेमा और ये उसके पापा भोग लगा चुके हैं पकौड़ों का। अच्छा हम आज पापा को भी खिला दिया? पापा को चाय जानू नहीं खाई? नहीं पापा को खिलाए हैं चाय और पकौड़े। हाँ। और आपको खिलाए हैं हमने पकौड़े पकौड़े। अच्छा और ये देख लो जी जानू, और आप देख सकते हो आज जानू कहाँ बैठा हुआ है आराम से। भाभी नहीं है, इसकी गद्दी हम नीचे लाए थे, अब इसकी गद्दी हमने यहाँ लगा दिया। आराम से मेरी बाबू बैठी हुई है, जमीन पे बैठना अच्छा लगता है इसको, है ना? है ना? ये देख लो इसको, नखरे देख लो इसके, कह रहा मेरे पास मत आ। तो अब हम पकोड़े इसमें डाल रहे हैं कड़ी में, कड़ी हमारी रीज रही है और सिम आग पे बनेगी। ये देखो ये हमने अपने लिए रख लिया है। अच्छा ये देखो मम्मी अपना भी ख्याल रखती है। वाओ जी, शाम का टाइम हो गया था और मैंने और देवरानी जी ने सोचा थोड़ी देर मार्केट चलते हैं, तो भैया ने हमें ड्रॉप किया है और हम दोनों आए अब यहाँ की एक लोकल मार्केट में नोएडा की, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र मार्केट, ब्रह्मपुत्र मार्केट नोएडा। हाँ तो अब हम दोनों यहाँ पे आए हैं, देखते हैं कितनी शॉपिंग करते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्या पसंद आता है, तो घूमते हैं थोड़ी देर। और दोनों आए हैं, बच्चे नहीं लाए, सबको घर पे छोड़ के दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, छोड़ के हम लोग ऐश मार रहे हैं। ठीक है थोड़ा सा हमको इंजॉय करते दो और आपको भी हम साइड में इंजॉय करवाएंगे।
यहाँ पर हैं सारे फूड काउंटर्स, देखिए। और भैया गए अब हमारे लिए कुछ लेने, वो खड़े सामने। तो बस देर तो हो गई है, पर अब खाते हैं और फिर चलेंगे घर पे। तो जी हम दोनों की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और भैया आ चुके हैं अब हमको लेने के लिए। तो बस अब तो आगे और शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेने आ गए। तो बस अब चलते हैं घर पे, थोड़ा सा खाते पीते हैं और फिर चलते हैं घर पे। तो जी वापसी चल पड़े हैं घर के लिए, भैया आ गए थे हमको लेने, और उसके बाद भी हमने भैया को बहुत इंतज़ार करवाया। और शॉपिंग हमारी हो गई है, पीछे रखे हुए हमारे पैकेट्स, और बस अब घर चलते हैं और करते हैं काम। काम करेंगे, क्या करेंगे भाई? हम बनाने वाले हैं चिकन चिकन चिकन। बस जी वहाँ देखो नजफगढ़ तो चिकन चिकन चिकन, नोएडा तो चिकन, हर जगह चिकन ही चिकन है। कुकड़ू को ही फेमस है हर जगह पे। यस, पंजाबियों का फेवरेट फूड जी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो जी एज यूजुअल जैसे हेमा कहती है, हाथ शिवर करने लग गया, बस थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और हाथ शिवर करना शुरू हो चुका है। भैया कर लो स्पीड, कर लो कोई बात नहीं। अरे वो आगे वो बोल रहा है ना माइक में। और प्रोग्राम एक दिन का था, देवरानी जी ने आने नहीं दिया। देवरानी और जेठानी का प्यार और भाई भाई का प्यार, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि इन्होंने नजर ना लगे जी, नजर ना लगे। सही बात है। इवन आरू भी आने को रेडी नहीं है, वो तो अभी कह रहा है मम्मा एक दो दिन और रुक जाओ। और देखो किसी का घर से फोन नहीं आया कि बच्चे रो रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बात अमेजिंग है मेरे लिए, बहुत शॉकिंग है। घर जाके देखना पड़ेगा कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तीनों के तीनों है इनके पास, आरू के पापा के पास है, क्योंकि भैया हमको ड्रॉप करके और चले गए थे अपने कुछ काम से, और फिर हमने यहाँ पे एक आध घंटा हम घूमे, और बस अब उसके बाद अब हम घर जा रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। और थोड़ा सा हमने खाने का अपना चटर पटर लिया है, वो अब हम खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये रहा हमारा खाना, खाना मीन्स जो भी हमने वहाँ से लिए अपने लिए स्नैक्स। ये रुमाली रोटी है और इसके अंदर चिकन की स्टफिंग है। हाँ चिकन क्या शोरमा, शोरमा चिकन शोरमा। हाँ तो बस और यही खाएंगे हम। देवरानी जेठानी इतने स्मार्ट है कि हमने और किसी के लिए नहीं लिया, इवन भैया भी हमारे साथ है, हमने भैया के लिए भी नहीं लिया, बल्कि लेके भैया ही आए हैं, तो हमने कहा बस हमारे लिए ले आओ। हाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हमने कहा बस घर के लिए भी रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए भी बस हम खाएंगे। हाँ, तो हम ही खाते हैं और बस गाड़ी भी रोक दी है क्योंकि हमें खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसको, तो अब खाते हैं और बस घर चलते हैं फटाफट। तो जी ये बैठे हैं मिस्टर छिब्बर, हम मार्केट से आए तो ये हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्योंकि क्या चाहिए था इनको, चाय, चाय चाहिए थी चाय। ये आके बेचारे यहाँ पे बीमार पड़ गए हैं, इनको फीवर हो गया है। आज रेस्ट किया पूरे दिन, अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है, कल जाएंगे अपने घर। नहीं कल फिर रुक जाते हैं, कल फिर रुक जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं हुई तो रुकना ही पड़ेगा। अच्छा भैया आपका इस बारे में क्या कहना है हमारे रुकने के बारे में? हाँ तो रुक ही जाओ, और कितने सालों बाद तो आया, कितने साल आया, इतने दिन तो रुकना बनता ही है। अच्छा चार दिन रुकना बनता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चार दिन तो आप थोड़ा कह रहे हो, एक हफ्ता तो कम से कम, एक हफ्ता बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भैया। हाँ। तो आप अपना देख लो भाभी ना, मेरा तो ऑनलाइन है सब कुछ। हाँ तो फिर बस फिर बढ़िया है, कपड़े तो हैं ही बैग में, लो ये रुक जाएंगी। हाँ और मैं अपना चला जाता हूँ। अच्छा नहीं तो आपका जी ऑफिस, आपका ऑफिस भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं जरा आपको भी अपने बराबर ही है। हाँ मैं भी आपको, नहीं जी आप हमारे एंगल पे नहीं आ रहे, जरा आप सामने आ जाओ, एंगल फिट नहीं बैठ रहा हमारा। हाँ कुर्सी लगा लीजिए, जरा वार्तालाप सामने की जाएगी। ओए 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 बीमार बच्चा। और हमारे बच्चे को देख लो जी कितना बिजी है, राधु ओ मेरा राधु। हाँ तो राधु भी रह गई मम्मी के बिना ना, है ना। हाँ राहु जी के साथ, सही बात है, पापा भी नहीं थे। हमारे पापा इतने अच्छे हैं, वो हमें साथ लेके गए हैं, साथ लेके आए हैं। हमने इतनी रिक्वेस्ट की पापा से कि चले जाओ जी, चले जाओ, चले जाओ भैया, चले जाओ, हम आ जाएंगे ऑटो में। ना ना ऑटो को छोड़ना दीजिए, मजाइल जी ऐसे कैसे छोड़ दे रहे बिल्कुल गाड़ी, सही बात, रास्ता भूल गए फिर। हाँ। वो कहीं और लेगा ऑटो, भाई ने मारना है पकड़ के फिर, तभी तो रिस्क नहीं लेते ना। अपनी ऑटो छोड़ भी दे एक बारी, अपनी भी तो थी साथ में, अपनी भी तो थी साथ में, छोड़ भी देना, वो सही तो कह रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा कैसे छोड़ दे भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखा देखा कैसे बोले भाई, सही बात है सही बात है। तो भैया जी अब क्या प्रोग्राम है, खाना वाना खाएं या अभी रुक जाएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बन ही गया खाना भी, बस बन गया। हाँ भैया ने मारे बना दिया भाई, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। अच्छा अच्छा मुझे यही लग रहा है, मैं नीचे गई थी, मैं नीचे गई थी मासी अंकल जी के साथ बातें करने। हाँ मैं आई हूँ तो ऊपर सब्जी रेडी है जी।
बच्चा पार्टी नंबर 2 और 3 देखो कितने बिजी हैं, एक टीवी देख रहा है एक मोबाइल देख रहा है। भैया आजकल के बच्चों का भगवान मालिक है। आरू घर चले, आरू घर चले, कल जाएंगे। कल जाना है पक्का? नीचे तो आप दादी को कुछ और बोल के आयो, वो बात पुरानी हो गई। ओ मैं फिर बोला हूँ दादी को, आरव ने क्या बोला है? अब रुकना है चलना है? अच्छा मेरी मर्जी, मेरी बात मानोगे? ठीक है। ये बन रही है हमारी सब्जी और बस चावल रोटी दोनों दोनों दोनों। चलो ठीक है, बस 5-10 मिनट में रेडी होने वाली है और फिर हम करते हैं अपना डिनर, नोश फरमाते हैं और फिर गप्पे मारेंगे। बच्चों का गेम देखो जी, ये देखो इनको, ये मम्मियाँ दोनों दूसरे रूम में, ये देखो ये क्या गेम खेल रहे हैं। ये देखो नीचे इन्होंने चादरें बिछा ली हैं और ये देखो दोनों, और इन्हें कुछ नहीं पता, दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है दोनों को। ये देखो आरु क्या हो रहा है, ये जंपिंग जपा में लग गई तो क्या करोगे फिर बेटा? हाँ इस चादर से क्या हो जाएगा, कौन सी सेफ्टी है? तो जी भाई सुबह से रात के 10 बज गए पूरे, पता ही नहीं चला यहाँ पर आकर कैसे बज गए। तो बस अब अपना खाना खाने लगे हैं। रुचि ने हमेशा देवरानी जी देवरानी जी कहती हूँ, नाम नहीं बताया कभी। रुचि मैं रिचा, ये रुचि, दोनों सेम सेम राशि के, मुंह उधर कर ले बहन। तो बस अब बेलन लेके खड़ी है, देखो मेरा कुटप्पा चाड़ेगी ये है? मैं क्या उठाऊ, मैं क्या बनाऊ? आप एक तरफ से आप पकड़ लो ना, एक तरफ से मैं पकड़। अच्छा हाँ जी चलो, ये देखिए बेलन की, दोनों बेलन, बेलन और चकले की खास बात होती है कि वो दोनों ना साथ में ही रहते हैं हमेशा, है ना? चकला तो बेलन हर किसी के घर। अब सारे मिलकर बीच में मुझको तोड़े, साथ में आगे मेरी लाडू लाडू लाडू, ये आगे लाडू करते हैं एंड। तो जी बस अब रोटी बनाने लगी है रुचि, तब हम खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। कल पहुँच जाएंगे अपने वापिस घर, अपने डेस्टिनेशन पे जो है। तो अब आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।